चलो। हाँ बेटा चलिए अब हम शुरू करते हैं शंकु। हमारा चैप्टर है आज का शंकु की बात कर रहे हैं हम। शंकु तो ये हमारा शंकु है। ये हमारा शंकु अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन। इसका आधार वर्ताकार होता है। इसका जो आधार होता है वो वर्ताकार होता है, यानी कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और ये इसका हाइट है और ये इसका रेडियस है और ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। एच आपका ऊंचाई, आर त्रिज्या, और एल तिर्यक ऊंचाई। ये इसका तिर्यक ऊंचाई है। इन तीनों में एक संबंध है और उस संबंध को L इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर या L स्क्वायर इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से दर्शाया जाता है। A O, B और ये C। चलो अब इसका ये जो ऊपर का बात करेंगे इसमें हम इसके आधार को नहीं लेंगे, इसके आधार को शामिल नहीं किया जाएगा, केवल ये। तो इस टाइप का अगर मान लो शंकु के आकार का कोई बर्तन है या टोपी है या तंबू है, तो उस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। शंकु के आकार का कोई तंबू हमें बनाना है तो तंबू में आधार, यानी कि जो आधार है इसमें हमें कपड़ा नहीं लगाना है क्योंकि ये हिस्सा तो जमीन का हिस्सा है। तो शंकु के आधार, शंकु के आकार का तंबू हमें बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, उसके लिए हमें इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करना होगा। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल। वेरी नाइस। अब इस टाइप का मान लो हमारे पास कोई बर्तन है, इस टाइप का कोई बर्तन है हमारे पास, तो इस बर्तन में कितना लिक्विड आएगा, कितना तरल पदार्थ आएगा, तो उसके लिए हमें इसकी धारिता यानी इसका आयतन, इसकी धारण करने की क्षमता या धारिता, इसका आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। यदि हम इस शंकु में आधार को भी अगर शामिल कर लें, आधार का क्षेत्रफल भी अगर इसमें शामिल किया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल।
हाँ तो वक्र पृष्ठ हो गया आपका पाई आर एल प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जो कॉमन है पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है, ये कॉमन है तो इसमें से बाहर आ जाएगा, पाई आर बाहर आ गया तो पाई और आर बाहर, तो यहां रह जाएगा केवल एल, यहां पे एल रह जाएगा और यहां पे आर, एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा शंकु का, ठीक है ना। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन, संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल जो हम हल करेंगे, देखिएगा आप। उस शंकु का आयतन ज्ञात करो, उस शंकु का आयतन ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। यह हमारा प्रश्न है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो। ये ए है, तो देखो ये आपका शंकु है, इसमें आपको दिया गया है d1 h तो निकालना, सॉरी r इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड l इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो h इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो एच कैसे निकलेगा क्योंकि हमें आयतन निकालना है, आयतन में हमें एच की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो चूंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, वेरी नाइस। चलो एल आपका हो गया 5 का वर्ग, आर आपका हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस एच का वर्ग, 5 का वर्ग हो गया आपका 25, 5 का 25, 3 का 9, 3 का वर्ग 9 और h का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 9, 9 किधर आएंगे बराबर h स्क्वायर, तो 25 में से 9 हटेंगे तो 16 बराबर h स्क्वायर, एम्प्लाइज दैट h बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल होता है 4 सेंटीमीटर, वेरी गुड 4 सेंटीमीटर। तो देखो एच हमें नहीं दिया था, एच भी हमने ज्ञात कर लिया,
अब हमें शंकु का आयतन निकालना है, तो v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान हो गया आपका 22/7 और r आपका कितना है 3, तो ये 3 का वर्ग है ना, r की जगह 3 और h, h की जगह 4, ये 4, तो v बराबर हो जाएगा आपका, v बराबर 1/3 गुणित 22/7, 3 दो बार है, 3 गुणित 3 और गुणा में 4, ये 3 से ये 3 गया है ना, तो 4 तिया 12 और 12 का गुणा 22 में करेंगे, 4 तिया 12 का गुणा 22 में करेंगे, तो 12 दूना 24 का 4 हासिल लगा 2, 12 दूना 24 ने 2 26, 26/7 हाँ तो उत्तर आ जाएगा 7 तिया 21 है ना, 5, 7 तिया 21 5, 37 49 है ना, 7 तिया 21 बचेंगे 5, 37 49 फिर 5.7749 37.7 घन सेंटीमीटर, घन सेंटी, वेरी नाइस, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न करेंगे हम, चलो अगला प्रश्न रहेगा हमारा उस शंकु का, उस शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, उस शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर हो, तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ एस इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल, हाँ वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो 22/7 और आर आपका 3 है और एल आपका 7 है और 7 से 7 कट गया, एस इज इक्वल टू 60 × 3 × 6 × 3 × 6 वर्ग सेंटीमीटर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब इसमें हम लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो, उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। गिवन आर इज इक्वल टू